घबराओ मत, चीज़ें चलेंगी। ठीक है चलेगा, परेशान मत हो। अब स्कूल है भाई, ये तो थोड़ा सा झेलना पड़ेगा ना तुम लोगों को। हाँ हाँ ठीक है, चलो कोई बात। चलो एक्सरसाइज 7.2 में आ जाओ जल्दी से, नोट करते हैं फटाफट हम लोग करते हैं अब। चलिए एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। आ जाओ यहाँ देखो, चलो क्या क्या डेटा दिया है उसके हिसाब से करेंगे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में है आपके पास इन आइसोसेल ट्रायंगल का मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिनके दो साइड्स क्या होते हैं, क्लियर है ना। ए बी सी का आइसोसेल ट्रायंगल है, कह रहा है ए बी सी एक आइसोसेल ट्रायंगल है इन विच ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी है। ए बी ए सी के क्या है, इक्वल है। मतलब ए बी जो है वो ए सी के। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंगल सी इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट पॉइंट बी। एंगल बी एंगल सी का जो बाइसेक्टर है एक दूसरे को कहाँ पर मिलते हैं, पॉइंट ओ पे मिलते हैं। बाइसेक्टर का मतलब इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, मतलब ये वाले एंगल आपस में इक्वल होंगे और ये एंगल, अगर इसको मैं एंगल वन मानूँ इसको एंगल टू मानूँ तो एंगल वन इक्वल टू क्या होगा, एंगल टू। एंड अगर इसको एंगल थ्री मान रहा हूँ इसको एंगल फोर तो एंगल थ्री इक्वल टू क्या होगा, एंगल फोर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं है। बाइसेक्टर इन द सेंस का मतलब इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ दिया है। और क्या दिया है, शो दैट, हमें क्या क्या शो करना है। तो पहले जो दिया है डेटा वो लिखते हैं सबसे पहले हम। तो गिवन क्या क्या है आपको वो लिखो। गिवन क्या है फर्स्ट में लिखिए, इन ट्रायंगल ए ओ बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में पहले लिखो क्या क्या दिया है। ए बी इक्वल टू क्या दिया है, ए सी। अच्छा, ए बी और ए सी अगर इक्वल हो गए, हम जानते हैं ऐसे ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो गए तो जो सेम बेस पे एंगल बनेंगे वो दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बस हो जाएगा ना, हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल बी एंगल सी के क्या हो जाएगा, इक्वल। एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा तो क्या इनके हाफ भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। इनके हाफ करेंगे तो इक्वल हो जाएंगे, नहीं। और इनके हाफ क्या है, इसका हाफ एंगल वन एंगल टू दोनों हाफ हाफ इक्वल हैं ये, इसके भी हाफ थ्री और फोर हैं, हाफ हाफ है ना, दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल वन किसके बराबर हो गया, यहाँ एंगल थ्री के, और एंगल टू के बराबर होगा। एंगल सभी एंगल बराबर है ना भाई, एंगल वन एंगल टू के बराबर है, एंगल थ्री एंगल फोर के बराबर है। एंगल वन एंगल थ्री को हो गया तो ये सभी एंगल्स आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए कि नहीं। ये तो हमें दिया ही था ना, इट इज ऑलरेडी गिवन है ना बॉस। ठीक है, अब आ जाओ प्रूफ क्या करना था हमें। हम प्रूविंग में आते हैं, प्रूविंग में आ जाओ। हमें टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना था, पहली चीज कि ओ बी इक्वल टू क्या प्रूफ करना है हमें, ओ सी। ओ बी इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, ओ सी। सेकेंड चीज आपको क्या प्रूफ करनी है, इसमें आ जाओ, ए ओ बाई सेक्टर ऑफ एंगल, ए ओ बाई सेक्टर ऑफ एंगल, बाई सेक्टर ऑफ एंगल, एंगल ए का बाइसेक्टर है तो अगर इसको मैं यहां से क्या करूं, इस तरह से ड्रॉ कर दूं, यहां से देखो ऐसे एक लाइन इस तरह से हमने अगर ड्रॉ किया होता, इसको कुछ भी एंगल मान लें हम, चलो इसको हमने एंगल ए मान लिया, इसको एंगल कौन सा मान लिया, बी। तो बाइसेक्टर होने का मतलब एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल। बात क्लियर है कि नहीं, बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ये बात क्लियर है ना। अब प्रूफ में आते हैं हम लोग, अब आ जाते हैं बॉस किस में, प्रूफ में। प्रूफ जब करेंगे तो हमें जो प्रूफ करना है, हम ये देखिए, देखिए अगर हमें ओ बी ओ सी चाहिए तो ये छोटे से ट्रायंगल इसमें दिख रहा है कि नहीं, ओ बी ओ सी चाहिए तो ये वाले छोटे से ट्रायंगल में दिख रहा है। तो हम आ जाते हैं कौन से ट्रायंगल में, अब एक लाइन हमने इस तरह से ड्रॉ किया है तो इस पॉइंट को हम कुछ मानेंगे, मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा कौन सा है, डी है। ये पॉइंट कौन सा है हमारा, अगर डी है, एक लाइन हमने छोटा ड्रॉ कर दिया इस तरह से, ये पॉइंट डी है ना। अब डी क्या है क्या नहीं ये देखो, तो इन ट्रायंगल कौन कौन से में देखा जाए, इन ट्रायंगल
चाहे तो यहाँ से भी कुछ ले सकते थे हम, कहो तो यहीं से ले लें भाई, ये वाला भी एंगल ले सकते थे ना, ए से ओ को ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। इंट्रेंगल कौन सा ले रहे हैं, चलो इंट्रेंगल ए ओ बी ले ले रहे हैं, एंड कौन सा ट्रेंगल ले ले रहे हैं, ए ओ सी, ए ओ सी ले लिया। तो देखो ए बी इक्वल टू ए सी ये तो दिया ही है, ए बी इक्वल टू ए सी दिया है कि नहीं, और एंगल टू एंगल फोर के इक्वल है कि नहीं, एंगल टू भी किसके इक्वल है, एंगल, ये सभी दोनों चीजें दी हैं हमें, ये भी गिवन है, ये भी क्या है, और लाइन ओ ओ ए ओ देखो दोनों में कॉमन है क्या, जो ए ओ वाली लाइन है इस ट्रायंगल में भी आ रही है और इस ट्रायंगल में भी आ रही है, तो ए ओ दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया बॉस, ए ओ दोनों में क्या हो गया, कॉमन। जब ए ओ कॉमन हो गया तो मुझे बताओ दो साइड और एक क्या है, एंगल, कौन से दो साइड, ये दो साइड हैं और एक एंगल इक्वल है, जो दो साइड लिया हमने उसकी डिफरेंट वाला कोई एंगल इक्वल है, तो हम क्या बता सकते हैं इसमें, बताइए फिर क्या होगा, बोलिए फिर क्या होगा, ये दो साइड एक एंगल है तो एस ए एस साइड एंगल, साइड से दिखा दो, लेकिन साइड एंगल साइड में एंगल क्या होता था, साइड के बीच में आता था ना दोनों साइड के, दोनों साइड हमने कौन कौन से लिए हैं, हमने दोनों साइड ये लिए हैं, दोनों साइड ये लिए हैं ना, अगर दोनों साइड ये लिए हैं तो इसका मतलब क्या होना चाहिए था, इनके बीच का एंगल ये वाला इक्वल होना चाहिए था ना, होगा क्या ये, नहीं होगा। हम जरा देखते हैं, हम जो ए बी ए सी लिख लिए, एंगल टू एंगल फोर लिख दिए हैं, इसको थोड़ा सा अभी हटाते हैं, एंगल टू इक्वल टू एंगल अगर फोर है तो मुझे जरा बताना, अच्छा ये एंगल वन एंगल थ्री के इक्वल था कि नहीं, एंगल वन एंगल थ्री के इक्वल था, तो क्या ओ बी ओ सी के इक्वल हो जाएगा भाई, अगर दो साइड इक्वल होते थे, देखो जरा ऐसे, अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये एंगल इक्वल होते थे, इसका मतलब अगर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो ये दोनों साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो जब एंगल वन एंगल थ्री के इक्वल है इसका मतलब ओ बी क्या है, ओ सी के इक्वल है, तो यहाँ आप इसको ना लिख करना, अगर एस ए एस से करना चाहते हैं तो इसके प्लेस पे क्या लिख लीजिए आप, इसके जस्ट प्लेस पे मैं लिख देता हूँ कि ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी, क्यों ऐसा है, क्योंकि सिंस एंगल वन इक्वल टू क्या है, एंगल थ्री, एंगल वन एंगल थ्री के इक्वल है तो ऑब्वियस बात है ये साइड भी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब देखिए, अब जरा देखिए, ये दोनों हमने साइड, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और इनके बीच का एंगल एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। अब ये बाई विच एक्सियम, बाई एस ए एस रूल, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्या हो गए, ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ए ओ सी, अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सी पी, सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, बोलो, बाई सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कौन कौन सा इक्वल हो जाएगा, ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, ओ सी, तो हमने पहले ही देख लिया, ये तो वहीं से आ गया हमारा, ओ बी इक्वल टू ओ सी आ गया, और दूसरा, और एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, एंगल बी, ये हमें प्रूव करना था ना, बात हो जाएगी हमारी, क्लियर हुई हमारी बात, कुल मामला यहां से कर रहा था, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात करिएगा, आराम से लिखिएगा आप लोग, लिख लेना आप, आपके पास रहेगा ये सब देख कर लिख लेना आराम से, ठीक है। अभी हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, रुक जाओ, आप लिख लीजिएगा आराम से, मिस्टर अली रहेगा ये सब कुछ रहेगा आपके पास, आराम से इसको आप लिखिएगा, नोट करिए, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जरा इसको हटाएं, समझ गए ना कैसे करना है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, जरा सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं और देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, एक्सेस नहीं दिया हमने, रुक जाओ एक मिनट, जस्ट ए मिनट, इसका काम क्यों नहीं कर रहा है यार, दोनों लिया है ना हमने, एक ही एक बार में लेंगे तभी तो काम करेगा, एक तो पसीने हो जाते हैं मेरे हाथ में, बार बार उसको कौन लिख के करेगा, जल्दी से कर लेंगे ना काम, बोलेंगे। अब जरा पास देखो, सेकेंड क्वेश्चन,
सेकेंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है इन ट्रेंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब 90 डिग्री एंगल भी बना रहा है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों साइड आपस में क्या है इक्वल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब यही हो गया ना, एक तो 90 डिग्री एंगल पे है, दूसरा क्या है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड, जैसा कि इसमें दिख रहा है। शो दैट ट्रेंगल ए बी सी एंड आइसोसेल ट्रेंगल इन विच ए बी इक्वल टू क्या है ए सी। ये हमें दिखाना है कि ए बी इक्वल टू क्या है ए सी है। तो पहले जो दिया है डेटा वो लिखेंगे, गिवन गिवन क्या है आपको बताओ कि ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी है, और क्या दिया है इसमें, और आपका बी डी इक्वल टू क्या दिया है, बी डी इक्वल टू आपको सी डी दिया है। ये बी डी जो है किसके इक्वल है, सी डी के, यही है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। फिर इसमें देखिए क्या कह रहा है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है इसमें कि ये ए बी इक्वल टू ए सी है, यही प्रूफ करना है ना। प्रूफ में आ जाते हैं हम लोग, अब प्रूफ में देखिए कैसे करेंगे इसको। जब आप प्रूफ करेंगे तो देखिए कौन से दो ट्रायंगल ले लें, सीधे दिख रहा है ना तुम्हें, देखो जरा ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी और कौन सा ए सी। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड कौन सा ट्रायंगल ए सी डी, देखो जरा ए बी डी और ए सी डी में देखो ए डी दोनों में कॉमन है क्या, ए डी लाइन दोनों में कॉमन है क्या, ए डी दोनों में है कॉमन, और जरा बताइए क्या है एंगल डी ए डी बी और एंगल ए डी सी दोनों इक्वल है, दोनों कितने डिग्री के होंगे, और बी डी इक्वल टू क्या है बॉस, सी डी है कि नहीं, ये भी दिया है हमें। जरा देखिए दो साइड और इनके बीच का एक एंगल बाय विच एक्सियम, बाय एस ए एस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों क्या हो गए, ट्रायंगल ए बी डी आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ए सी डी के। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सी पी सी टी ए बी इक्वल टू क्या हो गया ए सी, सो देयर फोर क्या हो जाएगा, देयर फोर ए बी इक्वल टू क्या हो गया ए सी। ये हमें प्रूफ करना था, आइसोसेल ट्रायंगल में दो साइड इक्वल दिखाना था, इजीली हमने उसको क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से कर सकते हैं ना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग, सेकंड और देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखते हैं जरा हम लोग। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए थर्ड में दिया है ए बी सी एन आइसोसेल ट्रायंगल, ए बी सी क्या है तुम्हारा आइसोसेल, इन विच एल्टीट्यूड्स बी एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी। एल्टीट्यूड से मतलब 90 डिग्री एंगल पे हैं ये, ठीक है, मतलब ये भी 90 डिग्री एंगल यहाँ बना रहा है और ये भी क्या है 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री एंगल यहाँ बना रहा है, हल्का सा टच हुआ, ठीक है। फिर आप बताओ रिस्पेक्टिवली शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, हमें दिखाना है कि ये एल्टीट्यूड जो बी ई और सी एफ है ये क्या है इक्वल है, यही दिखाना है ना। तो पहले जो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डेटा लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं डेटा कि क्या हमें दिया है, गिवन की हम बात करेंगे। तो गिवन क्या है हमें जरा देखिए, पहले कि सी एफ परपेंडिकुलर है किस पे, जरा देखिए एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया किस पे, ए बी पे है, और कौन सा ये बी ई परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पे, बी ई को हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पे ए सी, तो वे दोनों एंगल 90-90 हैं, क्लियर है, ठीक है। चलो और कुछ दिया है क्या, ए बी सी एक आइसोसेल ट्रायंगल है, ए बी सी आइसोसेल ट्रायंगल है तो ए बी इक्वल टू ए सी होगा क्या, बोलो बॉस बोलो, ए बी इक्वल टू ए सी भी दिया है, आइसोसेल ट्रायंगल है ये भी दिया है, अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो ये एंगल ए पूरा एंगल सॉरी ये एंगल बी एंगल सी की पूरा क्या होगा इक्वल होगा कि नहीं, अरे ए बी इक्वल टू अगर ए सी हो गया तो ये वाला पूरा एंगल इक्वल होगा एक दूसरे के, अभी उसकी बात कर लेंगे, पहले देखो यहाँ, चलो अब यहाँ से देखना है हमें टू प्रूव, हमें टू प्रूव क्या करना है जरा देखिए कि दोनों एल्टीट्यूड्स की लेंथ क्या है इक्वल है,
दोनों एल्टीट्यूड कौन कौन से हैं, एक बी ई है और एक क्या है आपका सी एफ है। बी ई इक्वल टू क्या है सी एफ, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करते हैं फिर हम लोग, अब आ जाते हैं प्रूफ में। प्रूफ देखिए, प्रूविंग में आते हैं हम लोग तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, यहाँ देखिए कौन कौन से ट्रायंगल लें, ये बी ई और सी एफ कौन से ट्रायंगल में आएंगे। एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए सी एफ और एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी ई, लिया जाए इन ट्रायंगल ए सी एफ और कौन सा ट्रायंगल ले लें, एक ट्रायंगल ले रहे हैं हम कौन सा ए बी ए बी ई ट्रायंगल ए बी। चलो इसमें क्या क्या इक्वल है फटाफट लिखा जाए। चलिए पहले देखिए ए बी तो ए सी के इक्वल है कि नहीं, ए बी ई सी के इक्वल है, और एंगल ई एंगल एफ के इक्वल है कि नहीं, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर है तो। और कुछ एंगल ए दोनों में कॉमन है क्या, हाँ क्यों उनसे इक्वल, सी एफ और ये इक्वल दिखाना है बॉस, बी ई हमने ये दोनों ट्रायंगल्स लिए थे, कौन से ए सी एफ और ए बी ई। तो जरा देखिए ये एंगल आपका, ये साइड ए सी ए बी के इक्वल है, ये है ना इक्वल, और एंगल एफ 90 है, एंगल ई भी 90 है, और एंगल ए दोनों में क्या है कॉमन है कि नहीं, एंगल ए दोनों में कॉमन है, एंगल ए दोनों में कॉमन हो गए। तो जरा बताओ दो एंगल एक क्या है साइड, जहाँ पर हमने दो एंगल्स लिए हैं साइड उसकी क्या है ना डिफरेंट उस पर है ना, तो भाई ए ए कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या हो गए दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ए सी एफ इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल ए बी, अगर हो गया तो बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी क्या हो जाएगा बी इक्वल टू बी ई इक्वल टू सी एफ, यही हमें प्रूफ करना था ना, यही मैं प्रूफ करना था, ये प्रूफ आसानी से प्रूफ कर लिया हम लोग, कोई दिक्कत हो जाएगा ना ये, ठीक। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हो गया ना ये, इसमें कोई दिक्कत आसानी से हो गया, अरे काम क्यों नहीं कर रहा यार ये, जब मैं लिख लेना इसको आराम से आप लोग देख के, ठीक है लिख तो लेंगे ही ना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी जे ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स बीई एंड सीएफ साइड्स एबी आर इक्वल, है ना, ये सभी इक्वल हैं, बीई और सीएफ ये सभी इक्वल हैं, ये पहले कह रहा है। तो हमें जो दिया है सबसे पहले ये डेटा लिखेंगे, गिवन क्या क्या है हमें, क्या दिया है गिवन में जरा देखिए, ये सभी इक्वल है ना, एल्टीट्यूड्स बी एंड सी एफ टू साइड्स ए सी आर इक्वल, ये अभी इक्वल दे रहा है कि बी ई जो है किसके इक्वल है सी एफ के इक्वल है, ये कह रहा है बी ई अभी किसके इक्वल है, ए बी ए सी इक्वल नहीं है, ए बी सी से ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ टू साइड्स ए सी एंड ए बी आर इक्वल, ए बी ए सी इक्वल नहीं है, एल्टीट्यूड्स इक्वल है कह रहा है, ठीक है। देन शो दैट, पहली चीज टू शो क्या करना है हमें, आ जाओ देन शो दैट, शो क्या करना है आपको, पहली चीज कि ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट विद दिस थिंग, किसके ए सी एफ के, पहली चीज। सेकेंड क्या कह रहा है प्रूविंग में, ए बी इक्वल टू ए सी, यही कह रहा है प्रूफ करने के लिए, देख रहे कि नहीं, और तुम वही इसको ले रहे थे, ये प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है। इसके अलावा ये रिवर्स हो गया, थर्ड का जस्ट अपोजिट है कि नहीं, ये पहले माइसोसेल दिया था, पूछ रहा था बी इक्वल टू सी एफ दिखाओ, अब बी इक्वल टू सी एफ दे रहा है, पूछ रहा है कि आइसोसेल दिखाओ। अभी भी हम कौन से दो ट्रायंगल लेंगे, क्लियर है ना आपको, वही दोनों ट्रायंगल्स ले लिया जाए। तो जरा देखो कौन कौन से ट्रायंगल लिया जाए, प्रूफ में आते हैं, हाँ प्रूफ में आ जाओ, चलो बॉस देखो जरा प्रूफ में आ जाते हैं, जरा देखिए कौन कौन से लिया जाए, पहले जो कहा वही लोगे ना, इन ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल ए बी ई और कौन सा ट्रायंगल है ए सी एफ,
ए बी ई और ए सी एफ दिख रहा है ना आपको, यही हमने अभी पीछे लिया था। इसमें देखिए एंगल ई इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा, एफ होगा कि नहीं, 90 डिग्री है ना बॉस, दोनों एंगल इक्वल हैं 90 डिग्री, चलो ठीक है। और बी इक्वल टू क्या दिया है, बी इक्वल टू है सी एफ, ये भी दिया है हमें, ये दोनों चीजें गिवेन है हमें। और एंगल ए तो दोनों में कॉमन है बॉस, एंगल ए दोनों में क्या है, तो अगेन फिर से कौन सा रूल गया हमारा, तो भाई ए ए एस रूल, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल कौन कौन से है, ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट दिस दिस ट्रायंगल ए सी एफ, दोनों तो बाई सी पी सी डी क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या हो गया, क्या दोनों चीजें हम लोगों ने प्रूव कर ली, क्या आसान तरीके से हो गया दोनों प्रूविंग, ये सेकेंड वाली प्रूविंग थी, ये फर्स्ट वाली थी, हो गई दोनों आसानी से प्रूफ हो गए हमारे, समझ गए ना कैसे करना है, बस यही देखना है। दो तीन चीज़ें आपको ऑलरेडी, दो चीज़ें ऑलरेडी दी रहेंगे, एक को आपको सर्च करके बस लिखना रहता है, बस क्वेश्चन का मैसेज समझो क्लियर कि वो क्या कह रहा है। जैसे जल्दीबाजी में अगर ये करोगे कि अब हम आईसोसेल किए हैं, अभी भी आईसोसेल मानेंगे, नहीं अभी आईसोसेल हमें प्रूफ करना है, ये हमें देख कर चलना है, ठीक है, समझ गए। बाकी क्वेश्चन में कुछ दम नहीं होता है, ये सबसे ईजी चैप्टर होते हैं, इसमें सब कुछ आपकी आंखों के सामने रहेगा, बस आपका है कि ढूंढिए उसको, लिखिए, समझ गया ना। बस यही कुछ दो चार रूल याद रखने हैं कि किस रूल से क्या प्रूफ हो रहा है, बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। ओके डन, देख रहे हो काम नहीं कर रहा, काम कर जा, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, करते हैं, आ जाओ नेक्स्ट। फिफ्थ वाले में देखो क्या दिया है, इसी तरह से ए बी सी डी बी सी आर टू आइसोसेल ट्रायंगल्स, ए बी सी डी बी सी तो आइसोसेल हैं, आइसोसेल का सोच रहे हैं ना, दो दो साइड दोनों के क्या है, इक्वल हैं, सो दैट ए बी डी ए सी डी, ए बी डी, ए बी डी कौन सा एंगल है, ए बी डी ये वाला एंगल है, ए बी डी ये वाला एंगल है ना, और ए सी डी ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो ए बी सी डी बी सी आइसोसेल ट्रायंगल दिए हैं, आइसोसेल ट्रायंगल दिए हैं, तो पहले इनको ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ये ले लेंगे और एक ट्रायंगल कौन कौन से, एक ट्रायंगल ले लेंगे इन ट्रायंगल कौन सा है, ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी डी और कौन सा ट्रायंगल लोगे बताओ जरा, ए सी डी। अब इनमें क्या क्या इक्वल है जरा ये देखो, ए बी डी और ए सी डी है, बताओ क्या क्या इक्वल है, हाँ लेकिन इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं हम लोग, जानते हो कैसे करते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा, जरा देखो बॉस, अगर इनको हम ए और डी को ज्वाइन कर दें, ए और डी को क्या कर दें, और ट्रायंगल ले लें ए बी डी और ए सी डी, कौन से ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड कौन सा ट्रायंगल ए सी डी, जरा देखना आप, ए बी इक्वल टू ए सी ये दिया है कि नहीं, ए बी इक्वल टू ए सी ये दिया है ना, आइसोसेल ट्रायंगल था ना वो छोटा वाला, और ये बी डी इक्वल टू डी सी सी डी दिया है कि नहीं, बी डी इक्वल टू सी डी ये भी दिया है, और ये ए डी लाइन दोनों में कॉमन है क्या, ए डी दोनों में क्या है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सी पी सी टी एंगल कौन सा तुम्हारा, ए बी डी किसके इक्वल हो गया, ए सी, बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया था क्या, बस ये कर देना, बस हम किसको ज्वाइन कर दें, ए सी डी को ज्वाइन कर दें, इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को ले लेंगे, ये साइड इस साइड के पहले से इक्वल दिया है, ये साइड इसके इक्वल दिया है ना बस, और ये वाली लाइन ए डी दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बाई सी पी सी टी ये वाले एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, यही हमें प्रूफ करना था आसानी से, समझ गए ना कैसे करना था इसको, फिफ्थ वाला क्वेश्चन। ओके डन, ये हो गया, फिर आ जाओ देखो, अब ये 6 7 8 आपको इसी तरह से क्वेश्चन करने हैं, हम हिंट करेंगे आपको, बस चीजों को आपको करना है, समझ गए ना। ओके देखो काम ही नहीं करता यार, मेरे हाथ में हो गए हैं काफी पसीने, समझ गए, इसलिए चीजें थोड़ी सी नहीं। अब आ जाओ जरा 6 में देखो, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल ट्रायंगल,
इन विच ए बी इक्वल टू ए सी एंड साइड बी इज प्रोड्यूस टू डी सच दैट, ये दिया है, फिगर ड्रॉ किया है, ए डी इक्वल टू क्या है ए बी, देन शो दैट बी सी डी इज ए राइट एंगल। तो आपको प्रूव करना है कि ये बी सी डी क्या है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये 90 डिग्री एंगल है, ये हमें प्रूव करना है। तो जो डेटा दिया है सबसे पहले ये लिखेंगे, सिक्स गिवन क्या क्या है ये लिखो, क्या दिया है आपको, आइसोसेल है, ए बी इक्वल टू दिया है ए सी, और क्या दिया है ए बी इक्वल टू क्या दिया है ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी, इसका मतलब क्या हो गया ए बी इक्वल टू ए सी, ए सी इक्वल टू क्या हो गया ए डी, तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे ना, ए बी ए सी के इक्वल है और ए बी ए डी के इक्वल है, तो इसका मतलब ए बी ए सी ए डी तीनों क्या हो गए इक्वल हो जाएंगे, लिख लिया हमने, फिर आ जाओ, हाँ अभी आ जाते हैं, बी सी डी राइट एंगल ट्रायंगल है, बी सी डी एक क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ कौन से, हाँ तो पहले दो ट्रायंगल ले लो, कौन कौन से ट्रायंगल लोगे, लिखो चलो जल्दी से करो, इन ट्रायंगल कौन कौन से लिया जाए, टू प्रूफ क्या करना है हमें, एंगल बी सी डी इक्वल टू क्या राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री प्रूफ करना, यही ना बॉस, चलो प्रूफ में आ जाओ, देखो क्या क्या दिया है जल्दी से करो, चलो बताओ कौन से दो ट्रायंगल लिया जाए पहले ये बताओ, ए बी सी और कौन सा ट्रायंगल लिया जाए, हाँ ट्रायंगल ए बी सी एंड कौन सा ट्रायंगल लिया जाए ए सी, चलिए इनमें क्या क्या है जरा बताइए, ए सी कॉमन है, चलिए ए सी दोनों में क्या है, बहुत बढ़िया, ए बी इक्वल टू ए डी है, बहुत बढ़िया, ये दिया था, ये भी हमें दिया है ना, चलो और बताओ, और एक चीज़ क्या, तीन एलिमेंट चाहिए ना हमें, और एक चीज़ और क्या प्रूफ कॉमन करो, बताओ बताओ, बी सी डी 90 दिखाना है, तब ए सी, अरे तो ये तो एक ही ट्रायंगल में हो जाएंगे ना, एंगल यहां दिखाना है तुम्हें, देख लो कोई एक, कौन सा एंगल इक्वल होगा लॉजिक लगाओ जरा, देखो हाँ बताओ, ए बी एंड ए बी ए डी तो पहले लिख चुके हैं ना बस, ए बी ए डी के इक्वल हम लोगों ने पहले लिखा है ना, ए सी दोनों में कॉमन है, और बताओ फिर क्या है, नहीं तो एक ही ट्रायंगल में हो गए ना दोनों, ए सी ए डी तो दोनों एक ही ट्रायंगल में हो गए ना, ए सी डी में ही हो गया, हम जो भी दो साइड दो एंगल लेते हैं दोनों अलग अलग ट्रायंगल में लेते हैं, दोनों ट्रायंगल में लेते हैं ना भाई, एक का एंगल दूसरे एंगल ट्रायंगल के एंगल के इक्वल होना चाहिए, एक का साइड दूसरे ट्रायंगल के साइड के इक्वल होना चाहिए, हाँ सी ए डी, हाँ सी ठीक है, सी ए डी को किसके इक्वल लिखोगे ये बताओ, देखो चलो ऐसे नहीं समझना है बॉस, यही तो गलती कर रहे हो, अब यहाँ क्या क्या इक्वल दिया है पहले ये समझो तुम, सबसे पहले ये देखना था तुम्हें, अगर ये दोनों साइड इक्वल थे तो इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे कि नहीं, अगर एंगल वन है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा वन, अब इसी तरह से ये दोनों साइड इक्वल थी ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे कि नहीं, इसका मतलब अगर ये एंगल टू है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा हमारा टू, इक्वल हो जाएगा कि नहीं, ये बात क्लियर है, और दूसरी चीज देखो कि ये ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी ए डी के ये तीनों साइड इक्वल थे, तो जब तीनों साइड अगर इक्वल हैं तो ऑब्वियस ही बात है ये बेस पे जितना एंगल बनाएगा वही तो उतना भी बेस पे वो भी एंगल बनाएगा कि नहीं, उतना ही सेम एंगल वो भी उसी बेस पे बनाएगा कि नहीं, बनाएंगे या नहीं भाई, ये ए बी ए सी ए डी तीनों इक्वल हैं
तो इस जिस बेस में ये जो भी एंगल बना रहे हैं वही सेम बेस में ये भी तो वही एंगल बनाएंगे, वही सेम एंगल बनाएंगे कि नहीं? ये बनाएंगे ना, ए बी ए सी के इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ए डी ए सी के इक्वल है ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे? लेकिन ए बी ए डी ए सी तीनों साइड आपस में इक्वल हैं तो ये जो एंगल बना रहा होगा वही एंगल ए भी तो हो रहा होगा। तो चाहे इस एंगल को इसके इक्वल दिखा दें, चाहे ये एंगल इसको दिखा दें, या एंगल ए इसको दिखा दें, या बी ए सी को किसके इक्वल दिखा दें, सी ए डी के इक्वल दिखा दें, बात एक ही है भाई, ये एंगल दोनों सभी इक्वल हो गए तो अभी इसी बात है, ये तीसरा वाला इक्वल हो जाएगा कि नहीं? यहाँ लिखना एंगल, एंगल बी ए सी इक्वल टू हो गया तुम्हारा एंगल कौन सा? सी ए। क्यों? क्योंकि ए बी इक्वल टू क्या है? ए सी। ए सी इक्वल टू क्या है? ए डी है। सो एंगल वन इक्वल टू क्या आ जाएगा? एंगल टू। इस वजह से लिख सकते हैं, चाहे एंगल वन को एंगल टू के इक्वल के तभी, लेकिन अब यहाँ दो साइड और उसके बीच का एक एंगल, तो बाई एस ए एस एक्सियम, एस ए एस से क्या हो जाएगा? बाई एस ए एस रूल से क्या हो जाएंगे दोनों? ये आपका ट्रायंगल बी सी, कौन सा ट्रायंगल? ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? ए सी। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सी पी सी टी एंगल इक्वल दिखा दो, कौन कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे जरा बताओ? एंगल वन तो एंगल टू के पहले से इक्वल है, ये वाला एंगल भी इसके क्या हो जाएगा? इक्वल हो, सब पहले से दिख रहा है, लेकिन तुम भी चाहो तो फिर भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे बताओ? हाँ लिख दो। ये तुम्हारा सी बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा? सी डी आ जाएगा। बी सी किसके इक्वल हो जाएगा? सी डी के। पहले तो बी सी इक्वल टू तुम सी डी लिख लोगे, बी सी इक्वल टू क्या आ गया? सी डी। और ए बी इक्वल टू क्या है? ये तो पहले सी है, एक तुम्हारा बी सी इक्वल टू सी डी हो जाएगा, और ये एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, एंगल्स तो वैसे भी इक्वल हो रहे थे, लेकिन बस अब यहाँ प्रूविंग के बाद तुम लिख सकते हो बाई सी पी सी टी से, ये वाले एंगल इस एंगल के क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो एक तो तुम्हारा यहाँ से हो जाएगा बी सी इक्वल टू सी डी, एंड दूसरा क्या आप लिख सकते हो यहाँ से, देखो एंगल बी सी ए एंगल बी सी ए या ए सी डी? ए सी डी इक्वल हो गया, और ये एंगल पहले से इक्वल थे, ये इसके इक्वल हो गया, ये इनके इक्वल थे, ये राइट एंगल हमें दिखाना है, राइट एंगल का मतलब दोनों एंगल का सम कितना दिखा दें? 90 डिग्री। आप चलो बताओ जरा, अब और क्या क्या हो सकता है इसमें? अब अगर मुझे 90 दिखाना है तो हम क्या करें भाई? ये एंगल हमें पूरा चाहिए तो हमें बड़े वाले ट्रायंगल पे बात करनी पड़ेगी, इस पे बात करना पड़ेगा कि नहीं? इसी पे तो बात करना पड़ेगा। अच्छा, ये वाले एंगल एक दूसरे के इक्वल थे, ये वाले एंगल एक दूसरे के क्या हैं? इक्वल हैं। ये वाले एंगल एक दूसरे के क्या हैं? अगर इन दोनों एंगल को हमने इक्वल डायरेक्ट लिख दिया था, जिसका मतलब दोनों 90-90 होने चाहिए थे, दोनों एंगल कितने कितने होने चाहिए थे? 90-90 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ फिगर से ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये 90-90 है, दिख रहा है क्या ऐसा? नहीं दिख रहा है। तो ऐसा करो कि हम लोग ऐसा करते हैं कि ट्रायंगल ले लेते हैं बी सी डी, है ना, और बी सी डी में इन सभी एंगल का सम कितना होगा? हाँ, इन ट्रायंगल बी सी डी, हाँ लिखते हैं जरा, देखो इन ट्रायंगल कौन सा आ जा देते हैं जरा देखो, इन ट्रायंगल कौन सा, या डी बी सी ले लेते हैं या बी डी सी ले लेते हैं, देखो ये एंगल बी एंगल सी एंगल डी सभी का सम कितना होगा? अरे ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम 180 होगा कि नहीं? ये एंगल वन है, एंगल टू है, और ये एंगल बी सी डी है कि नहीं? ये बी सी डी वन और टू दोनों को मिलाकर हो रहा है, एंगल बी सी डी दोनों को मिलाकर हो रहा है कि नहीं? एंगल वन भी है और एंगल ये एंगल वन एंगल टू पूरा ऐड करूंगा तब बी सी डी आएगा ना ये। तो ट्रायंगल में देखिए उसमें क्या हो गया, एंगल वन एक बार है, दो बार एंगल वन आ रहा है, और दो बार एंगल क्या आ रहा है? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? तो दो बार एंगल ए वन आ गया और दो बार एंगल ये 180, तो एंगल वन प्लस एंगल टू बराबर कितना जाएगा? 90, और एंगल वन एंगल टू किसके बराबर है? एंगल
बी सी डी, ये कितना हो गया, यही हमें प्रूफ करना था क्या, समझ गए? तो इस तरह से इसकी प्रूविंग की जा सकती है। बाकी के बचे दो क्वेश्चन जो हैं ये भी थोड़ा इसी तरह से आसान है, राइट एंगल ट्रायंगल ए 90 ए बी सी आसानी से कर सकते हो। इस शो दैट द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ईच 60 डिग्री, ये भी आसानी से प्रूफ हो जाएंगे ना इजीली, ये क्यों बताओ भाई कार्तिके, एट वाला बता दे जल्दी से, चलो हम बता दे क्या हो गया, करा देते हैं कोई दिक्कत नहीं। हाँ एट वाला बता देते हैं जल्दी से, देखो तुम्हें इक्विलेटरल ट्रायंगल है, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल कितने हैं भैया, 60 डिग्री के हैं। एक यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे सी, हाँ हाँ पूरा शो करना है कि 60 डिग्री के होते हैं हर एक एंगल। मान लेते एक लाइन डी हमने ए डी ड्रॉ कर दिया है, एक ट्रायंगल हमने ले लिया है, इक्विलेटरल है तो ऑब्वियसली बात है कि हर एक साइड इक्वल होगा, ये वाली साइड और ये साइड सभी क्या होंगे इक्वल होगा कि नहीं। तो दो हमने ले लिए क्या, और जो भी इसको ड्रॉ करेंगे सामने वाले को बाइसेक्ट भी करेगा ना, और पेंडिकुलर बाइसेक्ट अगर हमने ड्रॉ कर दिया है ये इसको क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में बन गया। अब जरा देखना इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने ले लिया, दोनों को कन्वेंट दिखा पाएंगे, कन्वेंट कैसे दिखाओगे, ये ए सी ए बी, ए बी ए सी के इक्वल है, बी डी सी डी के इक्वल है, ए डी वाली लाइन दोनों में क्या मान है, तो बाई सी पी सी टी दिस एंगल इक्वल टू दिस, एक तो ऐसे ही हो रहा था और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो इन दोनों का सम करूंगा तो यही एंगल आएगा कि नहीं। तो किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 है ना। तो भाई तीनों एंगल का सम निकालना, ये वाला अकेले क्या हो गया, तो तुम्हारा 90 हो गया अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, अकेले क्या हो गया ये 90 डिग्री हो गया। अगर ये 90 हो गया तो बाकी दो एंगल का सम कितना होगा, अरे इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल इन दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा, इन दोनों 90 होगा। तो भैया ये वाला एंगल तुम्हारा कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री होगा, ये कितने का होगा, 30, ये 30 और हो गया मिलाकर कितना हो गया 30, ये 60, इसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री। अरे ये 90 होगा ना, वो तो बाई सेक्टर है उसका, तो 60-60 में हो जाएगा, बात नहीं समझे। चलो दो ट्रायंगल तुम्हें दिख रहे हैं ए बी डी ए सी डी, दोनों को कॉन्वेंट दिखा दोगे, हम दोनों को कॉन्वेंट दिखा पाएंगे, दोनों को कॉन्वेंट दिखा पाएंगे कि नहीं, अगर दोनों को कॉन्वेंट